अच्छा सर्टिफिकेट बांट देना, जिसका भी नंबर आएगा आगे आएगा और उसको सर्टिफिकेट देने के बाद ताली बजाएंगे, बजा देंगे ना उसके लिए। चलो सबसे पहले है मदन कुमार, चलो भैया मदन कुमार गुजरात को। कहाँ से हो आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद, आपका नाम? मदन कुमार। मदन कुमार, किस चीज का कोर्स किया आपने? ओनली चेंज का। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। चलो सुकुमार देवनाथ आ जाओ, आपका नंबर लग गया है। कहाँ से भैया आप? अंडमान निकोबार से। आपने किस चीज का कोर्स किया है? एडमिशन। और आपका नाम? सुकुमार देवनाथ। अच्छा यहाँ पर रहना सहना सही था ना? सही था ना, सच बोलना। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। नारायण मीना, क्या नाम है? नारायण। चलो भैया कहाँ से हो भैया? राजस्थान। राजस्थान में कौन सी जगह? प्रतापगढ़, दरियाबंद, छोटा सा गांव है माना गांव से बिलोंग करता हूं। और आपका नाम? नारायण। बहुत बढ़िया, किस चीज का कोर्स किया है? जोर से बोलो, कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ, जिला जालौर से हूँ। क्या नाम है आपका? बाहिद। बाहिद शाह, किस चीज का कोर्स किया है? प्रैक्टिस की ना, खाना खाया? कृष्ण कुमार बिहार आ जाओ भैया। अच्छा तो दिखाओ बिहार वाले भाई को, बिहार से ही बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा कहाँ से हो भैया? बिहार में कौन सी जगह? नालंदा जिला। अच्छा आपका नाम? सिर्फ कृष्ण कुमार, आगे पीछे कुछ नहीं? अच्छा नाम है क्या? अच्छा आपने किस चीज का कोर्स किया? ब्लोटर करते हो? जी सर। अच्छे से? जी सर। कर लेंगे? जी सर। सच ना? जी सर। अच्छा ये फील्ड को छोड़ेंगे तो नहीं? नहीं नहीं सर। सच? अच्छा आपको लगता है इससे आप पैसा कमाएंगे? जी सर। जी ठीक, जी ये क्या है? बहुत बढ़िया, किस चीज का कोर्स किया है? बहुत बढ़िया, थोड़ी धीरे बजरे ऐसा नहीं लग रहा है, उसके लिए बजाओ एक बार फिर। तन्मय गिरी केमन आछो, कैसा बोलते हैं? केमन आछो, ऐसा कैसे हो, ऐसा तो क्या बोलते हैं? केमन आछो। कहाँ से हो भैया? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? कलकत्ता से। कलकत्ता, कलकत्ता प्रॉपर कलकत्ता। आपने किस चीज का कोर्स करा है? बार्बर का। अच्छा करेंगे ना वहाँ पर सलून डालेंगे? किसके पास काम करेंगे? पहले काम करेंगे उसके बाद सेल डालेंगे। अच्छा सुकुमार के वो साथ डाल लेगा ना, वो भी अंडमान से आ जाएंगे टेक ऑफ करके डालेंगे। हाँ रहने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं सर, घर का सर। सच बोल भाई। हाँ सही है। हाँ टॉयलेट मिलेट की प्रॉब्लम होगी तो? नहीं ना। चलो बहुत बढ़िया, ताली बजा। ऐसा हो सकता है लेकिन सोचना पड़ेगा ना भाई, उनकी सोच और हमारी से, वो भी इंसान हम भी इंसान। अच्छा नितिन मंदा, कहाँ से हो भैया? एमपी से। एमपी में कहाँ पर? एमपी बुरहानपुर ग्राम में होता मांझलोक। जोर से बोलो, एमपी में कहाँ? एमपी में बुरहानपुर जिला डिस्ट्रिक्ट और ग्राम मांझलोक कला। आपका नाम? नितिन मंदा। नितिन मंडल। आपने किस चीज का कोर्स करा है? अच्छा करते हो काम? हाँ ब्लो ड्राई वगैरह। अच्छा स्टेप कट में कौन सी डिग्री में कट किया जाता है? 180 और 90। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। धनंजय कुमार कहाँ से? झारखंड। धनंजय कुमार, अच्छा क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार सिंह। धनंजय कुमार, जोर से बोलो। धनंजय कुमार सिंह। आप कहाँ से हो? पलामू। पलामू, झारखंड पलामू जी।
अच्छा आपने किस चीज का कोर्स करा? बार्बर का। अच्छा छोड़ेंगे तो नहीं ना? नहीं सर। हाँ नहीं सर, एजीडी का नाम तो इधर उधर नहीं होने देंगे ना? नहीं सर। इसको फटने देंगे? नहीं सर। फटने मत देना, ऐसा लगे कि फटने वाला है तो मेरे पास आ जाना, मुझे रिटर्न कर देना। हाँ फिर दूसरा बना के दे देंगे। जब बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। इंडिया की शान। चलो भाई सबीर खान आ जाओ भैया। मोबाइल पकड़ के। अच्छा आप कहाँ से हो? जम्मू कश्मीर से। जोर से बोलो। मेरा नाम सुधीर है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैंने बार्बर का कोर्स किया है। और जय हमारे सर बहुत ही अच्छा सिखाते हैं और मतलब सर के लिए मैं क्या ही बताऊँ कि हमारा इतना ध्यान रखा कि हमें पता ही नहीं चला कि हम घर में हैं कि अकेडमी में हैं। और सर जो है मतलब सर के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि सर ने हमारा कितना अच्छा ध्यान रखा। जो सर वो है जो एक भाई का रोल भी निभाते हैं, जो सर वो है जो एक मतलब पेरेंट्स का रोल भी निभाते हैं, जो सर वो है जो एक दोस्त का रोल भी निभाते हैं। और सर के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि सर ने हमारा इतना अच्छे से ध्यान रखा कि तेरी सादगी तेरी अज तेरी सादगी तेरी आजजी तेरी हर अदा कमाल है, कि तेरी सादगी तेरी आजजी तेरी हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरा सर बेमिसाल है। मुझे फ़ख्र है। बाकी देखिए बहुत अच्छा बोला, लेकिन फिर भी आपने अभी अभी ड्राइविंग सीखी है। क्या बोला मैंने? आप लोगों ने अभी अभी ड्राइविंग सीखी है, आप गाड़ी ले लो, चलाते चलाते और प्रो बन जाएंगे। बनेगी ना? गाड़ी लेंगे कि नहीं? सैलून डालना पड़ेगा, डालेंगे नहीं, रिस्क नहीं लेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या किया है। आप रिस्क लो, अखाड़े में तो उतरो, सीखा है ना पहलवानी, सीखी तो अखाड़े में कूदो, पता चल जाएगा क्या क्या होता है हमारे साथ। चलो बहुत बढ़िया। कमल किशोर राजस्थान। राजस्थान के लोग देख रहे हैं वो तो देखेंगे ना। अच्छा क्या नाम है आपका? कमल किशोर। आप कहाँ से हो? राजस्थान। राजस्थान बीकानेर जिले से। राजस्थान बीकानेर जिले से। अच्छा आपने किस चीज का कोर्स करा है? अच्छा आपको रहने में मतलब आप जब रह रहे थे यहाँ पर तो मैंने आपके साथ ऐसा कुछ बिहेवियर किया कि आपको ऐसा बुरा लगे? अच्छा आपके भाई कैसे रहते हैं आपके साथ वहाँ पर जो मेरे से बात करते हो? क्या मैं उनकी तरफ 5% दिया मेरे तरफ से? हाँ लेकिन आपने ड्राइविंग अभी सीखी है तो आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। गाड़ी है? सैलून है तो डालना पड़ेगा ना, तो वही गाड़ी की बात कर रहे हो, वो बात की नहीं। नहीं तो ब्रिजा लेके घूमता है भाई, ब्रिजा लेके घूमता है ना। बहुत बढ़िया, हेयर ड्रेसर का कोर्स किया है ना। और कोशिश करो भैया आगे जाएंगे, लेकिन आप इस फील्ड को छोड़ना मत, समझ रहे हो? नहीं कभी नहीं बंद हो सकता। बाकी भाई के लिए ताली बजा दो। गामिन शैलेश आ जाओ भैया। थोड़ा जोर से नहीं आए ना? कहाँ से आप? गुजरात। गुजरात में कहाँ? अच्छा आपको हमारे किसी स्टूडेंट ने भेजा था ना, वो देख रहा होगा वीडियो, टाइम मिला होगा सलून से तो देख रहा होगा। क्या नाम है उसका? जितेंद्र। आपका भाई है? हाँ मेरा भाई। क्या बोल के भेजा था आपको? जाओ वहाँ पे सीखो। अच्छा सीखा? यस। हो रहा है ना? आपने किस चीज का कोर्स किया? आपका नाम? गामिन शैलेश। बहुत बढ़िया, भाई के लिए ताली बजा दो। आर्यन धनंजय धनराज। आर्यन धनराज। अच्छा आप ऐसे मुंडी करके बोला। आपका नाम? आर्यन। आर्यन अजंकर। आप कहाँ से हो? अमरावती। अमरावती से हो? प्रॉपर अमरावती से। आपने किस चीज का कोर्स करा? अच्छा आपकी एज कितनी है? 15 क्या? 15 साल। 15 दिन? 15 साल। अच्छा अच्छा लगा? यस। लेकिन आपने बराबर से ध्यान नहीं दिया, आपको नहीं लगता? हाँ लगता है। अच्छा कम उम्र है तो क्या हुआ, कम उम्र में अमीर बनने का क्यों नहीं सोचते? आपके पापा वीडियो देख रहे होंगे तो फिर क्या बोलो उनके लिए? आप बोलो, आप बोलेंगे वो बोलूंगा। आपके लड़के को मोटिवेट करा करो, थोड़ा सा मोटिवेट करो और इसको समझाओ और कोशिश करो, क्योंकि छोटा है, नादान है, ना समझ, फिर भी आप कोशिश करो कि इसको समझाओ। और जो फील्ड में ये घुसा है, जिस प्रकार से ये काम भी करता है, हैंडल भी करता है बहुत सारी चीजें, वो बहुत सही है। तो बाकी भाई के लिए एक बार ताली।
वसावा किंदेश कुमार आ जाओ भैया गुजरात की शान सेवा के लिए। गुजरात ना हर बार आगे ही आ जाता है, पता है क्या आपको, हर बार आगे, मतलब जुनून है भाई गुजरात वालों के पास, जुनून है ना, कई मोटू करूँ से क्या बोलते हैं, कई खुद नु करूँ छे ने मोटू करूँ छे, तो गुजराती भाईओ जो बड़ा मोटू ज करे छे, तमे क्यारे करवाना छो, करसे के ने आ लोको, बिल्कुल सर, घरे बैसे तो थसे थसे घरे बैसी ना थसे घर छोड़ू पड़से कि नहीं, कई करो करवत करता घर छोड़ू पड़से ने मदन भाई। अच्छा आपका नाम? वसावा किंतेश। वसावा, आप कहाँ से हो? मैं भरूच। भरूच, भरूच डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, गुजरात भरूच। अच्छा आपने किस चीज का कोर्स करा है? अच्छा स्टेप कट वगैरह करते हो ना, लेयर कट हो जाएगा, लेकिन ड्राइविंग अभी सीखिए, तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी लेनी पड़ेगी ना, तब प्रो बनेंगे ना, ऐसे तो खुद का सलून डालेंगे तो रिस्क लेंगे तो ही इश्क होगा, बाकी भाई के लिए एक बार ताली बजा दो। मैं यहाँ पे आया था पूरा बिगिनर था, लेकिन अभी जितना भी सीखा है मतलब 3 महीने में, और हम मुझे तो बहुत सारा अभी सीढ़ियाँ चढ़नी है, लेकिन जो सर ने सिखाया है उसके लिए मतलब पहली सीढ़ी तो तब तक तो हम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं अभी, लेकिन अभी मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए जितना भी सिखाया है सर को देखो भाई ने जो लाइन बोली आपको एक चीज बता दो, भाई ने बोला सर के साथ सीखा, सर ने सिखाया, समझो सर ने सिखाया तो पहली सीढ़ी में चढ़ चुका हूँ, बाकी की जो 9 सीढ़ी है ना, 10 सीढ़ी हमने डिसाइड किए, 10 सीढ़ी कितनी, 10, उसमें से पहली तो मेरा हाथ पकड़ के कर रहे थे तो चढ़ गए, तो पहली कितनी जड़ी है पता चल गया ना, आगे की उतनी जड़ नहीं है, लेकिन ये आपको खुद को चलना पड़ेगा, वहां मैं नहीं रहूंगा, वहां मैं भी नहीं रहूंगा, ये आपके साथी भी नहीं रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, कौन रहेगा, सिर्फ अकेले आपको ही चढ़ना है, देखो फिर दूसरी चढ़े और फिर से गिरे तो फिर से कूद के चढ़ो, फिर से गिरे, फिर से जाओ, फिर से गिरे, फिर से उठो, ये आपको करना है, आपके दोस्त झेलने नहीं आएंगे, क्या आप गिर रहे हो तो ये पकड़ लेंगे सब, क्या मैं पकड़ लूंगा, कोई नहीं पकड़, अरे गिर रहे तो गिर, फिर से उठ के चढ़ा तो ही सिकंदर, समझ रहे हो ना, इसके लिए आपको ही करना पड़ेगा। कृष्ण कुमार डाकुआ आ जाओ भैया। शादी होने में कुछ टाइम नहीं हुआ, हाँ बीवी घरदार मम्मी पापा को सबको छोड़ के आए थे आप 3 महीने का कोर्स करने, तो ऐसा क्या सोच रहे थे, हो जाएगा ऐसा लगा था, हाँ अच्छा रोना क्यों आ रहा है, रोना नहीं आना चाहिए ना, रोना क्यों आना चाहिए, है ना मिलन भाई, रोना नहीं आना चाहिए, ऐसे क्या हम क्या ऐसा बोल रहे जो रोना रो मत, लेकिन आपने ना सच्चाई का साथ देना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने घर परिवार छोड़ के आए, वो 3 महीने तक आप दूर रहे हो घर से, मम्मी पापा से, बीवी से, बच्चों से, जिसके बच्चे वो दूर रहे ना, तो जुनून लेके क्यों नहीं चल रहे हो, जुनून लेके क्यों नहीं चल रहे हो, जुनून होना चाहिए। बाकी आपका नाम, आप कहाँ से हो? ओडिशा से। ओडिशा, ओडिशा प्रॉप, ओडिशा में कहाँ? ओडिशा गंजम डिस्ट्रिक्ट। आपने किस चीज का कोर्स किया? और एक चीज आपको मैं बता दूं, आपने ड्राइविंग अभी सीखी है, तो आपको ना गाड़ी के पीछे एल अक्षर देना चाहिए कि नहीं, एल अक्षर देना चाहिए ना, नया हूं भाई, ये खुद को पहले दिखाना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, फिर दूसरों को एल दिखाना, लर्निंग, क्या आपको लर्निंग लाइसेंस दे रहा हूं, इसको अर्निंग लाइसेंस में कन्वर्ट करो, लाइसेंस के साथ करेगी ना, होगा या नहीं होगा, आप करेंगे तो होगा, ऐसे ही नहीं होगा, बाकी जितना भी सीखा है उसको वेस्ट मत जाने देना, जाने देंगे, जाने मत देना, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं गिर रहा हूं, आपके सर को कॉल करो, जितना होगा उतना करूंगा, जितना होगा उतना करूंगा, जितना मेरे से होगा उतना करूंगा, और बाकी जो मेरे से नहीं हो सकता मैं डायरेक्ट बोल दूंगा भैया मेरे से नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतना करूंगा, मेरा काम है वो, समझ रहे हो ना, बाकी धन्यवाद भाई के लिए, ताली बजा दो। लेकिन इतना ज्यादा ऐसा भी रिस्क मत ले लेना कि परिवार को भुगतना पड़े, क्या बोला मैंने, फिर आपने रिस्क ले लिया, यहाँ तो रिस्क नहीं, आपने रिस्क ले लिया कोई बहुत बड़ा, उसके वजह से आप ऐसे खड़े हो, फिर बाद में फेल हो गए तो रोएंगे,
फिर वहां रोएंगे तो नहीं चलेगा, यहाँ रोएंगे तो चलेगा, यहाँ दिलासा देंगे, वहां कोई दिलासा नहीं देगा क्योंकि घर का साथ छूट गया तो फिर बर्बाद, यहाँ बर्बाद नहीं होंगे। लेकिन आपने रिस्क ले लिया बहुत बड़ा और वहां पर आके रो रहे हो यार मेरी गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, बहुत बुरी फंसेगी, परिवार को भी ले डूबेंगे, तो ये नहीं करना है। बहुत बढ़िया। इसमें से मैं एक तुम्हारा माँ बाप जो सफर गया और शादी होने का 3 महीने के बाद में जल्दी आया, मेरा बेटा भी सफर गया, मेरा बेटा प्रेग्नेंट हाँ, लेकिन मुझे सफर, लेकिन उसको वेस्ट नहीं जाने देना है, समझ रहे हो ना। जिन जिन ने आपके आपकी परिस्थिति आपकी सारी चीजें समझी है ना, उसको क्या दिखाना है आपको पता है, ये आप ही करेंगे, ठीक है। कोई ना कोई फील्ड में घुस रहे हो, ये फील्ड छोटा नहीं है भैया, बहुत बड़ा है, और मैं भगवान से ये गुजारिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से दिन निकले, मतलब आप जितने अच्छी कोशिश करेंगे ना वो कोशिश कभी फेल हो ही नहीं। आपको लगता है कोशिश करने वालों की कभी हार होती ही नहीं ना, होती है क्या? अच्छा दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो ना हो सके, ऐसी कोई चीज है? हर चीज पॉसिबल है ना, तो ये भी पॉसिबल है, सारी चीजें पॉसिबल, सिर्फ आपका माइंड सेट कैसा है, आप इंटेंशन कैसे बना रहे हो दिमाग में। बहुत बढ़िया भैया, बैठ जाओ, धन्यवाद। सत्य बार बार अच्छा कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से। यहाँ पे पकड़ो, ये भी दिखने दो, कहाँ से हो? महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? सतीश पवार। जोर से बोलो, सतीश पवार। दुकान का नाम क्या रखने वाले? सत्य बार्बर। सत्य बार्बर। किस चीज का कोर्स करा है? जेड का। लेकिन नाम क्या है? बार्बर। तभी तो सत्य, ये देखो सत्य पवार की जगह पे बार्बर लिख लेना। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा करेंगे ना हेयर कट वगैरह? हाँ बहुत सारे, देखो दाढ़ी वगैरह में थोड़ा वस्त्र चलाने में प्रॉब्लम होगी, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, बैठे नहीं रहेंगे ना, सच, यहाँ सच ही बोलना है। एकेडमी में हो, मंदिर में हो, किस में हो, झूठ नहीं बोलना है, नहीं करेंगे ना, सलून नहीं डालेंगे ना, डालेंगे डालेंगे, चलो बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अरे कोई बात नहीं, चिन्मय पाडवी आ जाओ भैया। कहाँ से हो भैया? धड़गांव। कहाँ से, कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र में रहते कि गुजरात में? महाराष्ट्र में। अच्छा किस चीज का कोर्स करा है? ओनली जेंस। अच्छा पढ़ना लिखना आता है आपको? थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा मेरे भाई है जो बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे, बहुत वो पूछते सर पढ़ना लिखना इम्पोर्टेंट है, आपको एक चीज बता दूं, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता ना उसके लिए भी बार बार कोर्स है ना, है ना, कुछ चीजें समझ में आएंगी कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, आगे चलते चलते आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं इनको ये बता दूं तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तू नहीं कर सकता, तब क्या होगा? क्या वो आ पाएगा? क्या वो इस फील्ड में घुस पाएगा? तो इस फील्ड में घुस नहीं पाएगा तो और कौन सी नौकरी मिलने वाली उसको? बिजनेसमैन की कोई कंपनी में ठोकरे तो खाएगा ना, दूसरा क्या करेगा? लेकिन उसको पढ़ना नहीं भी आता तब भी मैं बोलता हूँ आ जाओ भाई, तू जेंट्स का कर ले, लेडीज जेंट्स का मत कर, ओनली जेंट्स का तो कर, फील्ड में तो घुस, आगे की चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। उसमें से ये उदाहरण है। और इसको भी किसने भेजा था आपको यहाँ पर? आपके काकी ने भी हमारे पास कोर्स किया है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ भाई के लिए ताली बजा। विजेंद्र एस काले, काले। अच्छा भाई कहाँ से हो आप? अमरावती। कहाँ से हो? अमरावती प्रॉपर। अमरावती तो महाराष्ट्र, तो ऐसा बोलो क्योंकि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे होंगे। जलालपुर, अमरावती महाराष्ट्र जलालपुर। अच्छा आपने, आपका नाम क्या बोला? आपने किस चीज का कोर्स करा है? हेयर कट वगैरह प्रॉपर आ रहा है ना? हाँ लेकिन ड्राइविंग अभी सीखी है। हर किसी को मैं यही बोलूंगा क्योंकि आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक है, दूसरा है ही नहीं मेरे पास, एग्जाम्पल भी एक ही। ड्राइविंग अभी सीखिए, गाड़ी लेंगे ना वैसे है नहीं, अब क्या करेंगे, कमाई कैसे पर, गाड़ी लेने पहले ड्राइविंग सीखिए तो गाड़ी लेके ही होगा ना, तो पैसे नहीं है बोलकर क्या करेंगे? हाँ बैंक से निकाल लेना, दोस्त से मांग लेना, देंगे नहीं देंगे तो दूसरे की गाड़ी पे जॉब कर लेंगे, दूसरे की गाड़ी लेके जाएंगे, क्या है उसमें पैसे, वही तो दूसरे की गाड़ी चलाएंगे, दूसरे के सर में काम करेंगे, कुछ पैसा आएंगे, फिर खुद की गाड़ी लेंगे, भले लोन से लेंगे लेकिन लेंगे जरूर, खुद की रहेगी तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, बाकी
भाई के लिए ताली बजा दो। अच्छा ये तो आया नहीं है ना। उजेर है यहाँ पर, उजेर से। अच्छा आपका नाम? आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र तलौदा। आपने किस चीज का कोर्स करा है? आप कर लेते हो? हो रहा है ना? कुछ परसेंट बाकी होगा तो उसको कौन करेगा? मतलब बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है उसको कौन सुलझाएगा? आपको ही कहना पड़ेगा ना। आपकी आपकी आपको मैंने ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया, जाओ भैया आपकी गाड़ी। अभी आपको चलाना पड़ेगा ना, सिखा के भेज दिया तो आपको चलाना पड़ेगा ना। ऐसे सलून चलाएंगे तब कोई कस्टमर ऐसा वैसा आ गया तो मुझे बुलाएंगे, आपको हैंडल करना पड़ेगा ना। लेकिन कैसे करना है पता है? बहुत बढ़िया, भाई के लिए ताली बजा दो। अच्छा विशाल बी पाटिल, चलो भैया विशाल भैया। पाटिलों का नाम बहुत सही है, आ जाओ इधर। पाटिल आपको पता है? पहले ना हमारे यहाँ पाटिल रहते, पटेल पाटिल, पता है ना? बहुत खतरनाक लोगों को ना, मतलब बहुत दर्जे, बहुत बड़े दर्जे पे थे पटेल पाटिल, थे ना? एक जमाना था पटेलों का पाटिलों का, अभी भी है, मैं ऐसा नहीं बोला था नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा आपका नाम? विशाल पाटिल। विशाल, हाँ आप कहाँ से हो? जोर से बोलो। विशाल पाटिल, महाराष्ट्र जलगांव से। आपने किस चीज का कोर्स करा है? मैंने बार-बार का कोर्स। अच्छा हेयर कट वगैरह कर लेते हो ना? कर लेता हूं सर। हां लेकिन फिर भी आपने गाड़ी अभी सीखी है तो आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। गाड़ी लेनी पड़ेगी मतलब सलून डालना पड़ेगा। अगर खुद की गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है तो दूसरे की गाड़ी चलाओ, यानी कि दूसरे के सलून में जॉब करो, दूसरे के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, थोड़ा सा पैसा लो, उसके बाद अपनी गाड़ी ले लो, अपना सलून डालो। करेंगे ना? यस सर करेंगे। बहुत बढ़िया, भाई के लिए एक बार ताली बजा दो। अमित कुमार, चलो भैया। अच्छा टैटू गुजवाया? हाँ। क्या लिखवाया? अमित बार बार। हाँ कहा दिखा दो सीजर को। माई लाइफ, सच में आपकी लाइफ है ना? हाँ सच। अच्छा आपका नाम? अमित कुमार। कहाँ से हो? यूपी बस्ती। यूपी बस्ती, अयोध्या। अयोध्या पास में है ना? अच्छा हाँ। आपने किस चीज का कोर्स करा है? सिर्फ जेंट्स का, बार्बर का कोर्स किया है। आप हेयरकट वगैरह करते हो ना? वैसे तो आप हमारे सलून में भी काम करते हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है कस्टमर करते? अच्छा अभी करने वाले भी हैं, अभी खुद का करेंगे? नहीं आपके पास भी काम जॉब करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा लगा क्या हमारे पास? अच्छा लगा, जो है वही बोलो। देखो रहने में ये कोर्स तो होता ही है, ये तो करते ही सिखाते है, लेकिन रहने में भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, खाने पीने का अच्छा है, रहने का अच्छा है। और भाई किसी को आना है तो जल्द से जल्द आ सकता है यहाँ पे सीखने के लिए। भाई के लिए ताली बजा दो एक बार। मिलन भैया, सबको ताका मिला हमारी बना ताका तो मानो। अच्छा रुक जाओ, एक चीज बताता हूँ। टाटा बिरला मतलब बड़ा कौन? कौन बड़ा? दोनों ही बड़े, लेकिन बनना क्या है? टाटा। मैं तो टाटा बनू, कौन बनूंगा? क्योंकि उसके वजह से ना लाखों लोगों की जिंदगी क्या हो रही है पता है ना? लाखों लोगों के घरों में अनाज जा रहा है, तो बनना क्या है? हाँ क्या बनना चाहिए? आप उदाहरण के लिए क्या बोलेंगे? सबसे बड़े हो आप, क्या बोलेंगे, क्या बनना चाहिए? टाटा नहीं, उससे भी आगे बढ़ेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन टाटा जैसी सोच लेके चलेंगे तो ना। हाँ तो चलो बहुत बड़े। आपका आपका नाम? मिलन दे। आप कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, आप तो दिल्ली से आए थे? मैं दिल्ली में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल के दिल्ली में रहते। अच्छा आपने किस चीज का कोर्स करा? अब आपको मैं एक चीज बताऊँ, देखो आपने हेयर कट कर रहे हो, हाँ चलो चलता जा रहा, चलता जा रहा, थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा, कोई बात नहीं। लेकिन भैया आपने ड्राइविंग अभी सीखी है, तो आप खुद की गाड़ी लेके करेंगे तो प्रो बनेंगे ना? हाँ चलो प्रो बनने के लिए ना हमें रेगुलर 1000 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1000 किलोमीटर चले, सिर्फ 200 किलोमीटर चले तो प्रो नहीं बन सकते ना। सिर्फ हमें साइड पता चले, क्या पता चलिए? साइड, ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर मैं इधर टर्न मारूंगा तो इधर घुस जाऊंगा, इधर टर्न मारूंगा तो इधर घुस जाऊंगा। और टर्न मारने के लिए इंडिकेटर मारने चाहिए, तो सारे की पॉइंट जो मैंने आपको इंडिकेटर बताए वो आप मारते ही चलना, समझ रहे हो ना? बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई वो चलते ही जाना, लेकिन भैया धीरे धीरे प्रो पे जाएंगे।
एक दिन आपका भी आएगा जब आप भी सिखाएंगे। और ये आएगा क्यों आएगा पता है क्या? क्योंकि आप अपने सलून में भैया किसी को जॉब करवा रहे हो तो उसको तो सिखाएंगे ना, कि इसको भी नहीं सिखाएंगे तब भी आप गुरु हो वहां पर, समझ ले रहा हूँ, बस इतना समझना। लेकिन टाइम के साथ सारी चीजें हो जाती है, आपको पहले ही समझना है। बाकी इनके लिए ताली बजा दो, धन्यवाद। बाकी धन्यवाद अभिषेक भैया, चलो अभिषेक दानू, अरे इसके साथ ही एक तो नहीं है, बाकी एक साथी तो घर की प्रॉब्लम हुई इसके कारण चला गया है, तो हम क्या करेंगे इनको ही दे देंगे उनका सर्टिफिकेट, बाकी इसको इधर उधर मत करना भाई। हाँ अच्छा, आप कहाँ से हो? नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, बांग्लादेश के कॉर्नर पे। आपने किस चीज का कोर्स करा है? वैसे तो लेडीज की ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं करी है हेयर ड्रेसर का, या नाम मैंने हेयर ड्रेसर का दिया लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, कौन करेगा? करेंगे ना, छोड़ेंगे तो नहीं ना, करेंगे। आप कहीं से भी नॉलेज लो और भी नॉलेज लो लेकिन करना पड़ेगा, छोड़ेंगे तो नहीं ना, नहीं तो अभी नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, मैं मर जाऊंगा ना तो भी इसको जिंदा रखना है। अच्छा आप ऐसा नाम बनाएंगे, अपना ब्रांड बनाएंगे तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि अच्छा टाटा मर गया, एक एग्जांपल टाटा को कोई ओनर मर गया, मैं टाटा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कभी नहीं मर सकते ऐसा मैं बोलूँ, लेकिन एक एग्जांपल टाटा एक ब्रांड है तो उसका ब्रांड एम्बेसिडर नहीं रहा या ब्रांड जो ये बना रहा है वो नहीं रहा तो क्या टाटा चल पाएगा? फॉर एग्जाम्पल ये एजेडी है, अभी एजेडी को मैं चला रहा हूँ, बाई चांस मैं मर जाऊँ, अरे ऐसा कभी होता नहीं लेकिन मैं मर जाऊँ तो क्या ये एजेडी चलना चाहिए? ब्रांड बनेगा तो चलेगा ना, तो वही तो मैं नहीं तो मेरे लड़के चलाएंगे, और लड़के हैं तो आप हो, लड़के कौन है? आप है, आपके मन में हो जाए कि एजेडी को चलेंगे, एजेडी को आगे बढ़ाएंगे, आप बढ़ा सकते हो। हाँ बहुत बढ़िया, आपका नाम क्या बोला? अभिषेक त्रिपुरा। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा आपको और एक सर्टिफिकेट देता हूँ आपके दोस्त का, क्या नाम है उसका? तो आप बोल दीजिए, आप इसकी जगह पे लेके बोल दीजिए, क्या नाम है इसका? कहाँ से ये? नॉर्थ ईस्ट। प्रॉब्लम के कारण चला गया है, बाकी कोई बात नहीं, लेकिन इंटेंशन खराब मत करो। आप सोचो आपने गाड़ी फोर व्हीलर आती है चलाते हैं भैया, महिंद्रा की गाड़ी चलाते हैं, थार, थार है कि क्या है? थार है ना, एक्सयूवी है भैया। ट्रेनिंग ली थी कि ऐसे ही? पहले सब कुछ ट्रेनिंग लेना होता है। हाँ तो आप जब ट्रेनिंग ले रहे थे उसके बाद ट्रेनिंग ली तो तुरंत नहीं हुआ ना, फिर आपने गाड़ी चलाई होगी बहुत हजार दो हजार किलोमीटर, तब जाके आपको ऐसा लगा ना कि अभी ओवरटेक कर सकता हूँ, लेकिन अभी ओवरटेक नहीं कर सकते, अभी हम बिगेनर है। क्या है हम? तो ओवरटेक करने जाएंगे तो क्या हो सकता है पता है ना? इंडिकेटर सही से और सीट बेल्ट अच्छे से पहन लो, तो सीट बेल्ट मैंने अभी आपको दे दी, आप पहनो, अभी ड्राइविंग सीट पे आप हो। बाइक के लिए एक बार ताली बजा दो। अच्छा रुक जाओ, और बाकी है ना भाई, बाकी है हेमंत राठौर, अभी भाई नहीं आए, इधर दिखा दो, भाई नहीं आए, भाई ना एक मंथ रहे थे और चले गए थे, मतलब घर में कोई प्रॉब्लम होगा मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन उसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तू नहीं आ सकता, ऐसा नहीं, नई क्लास में आना है वो आ सकता है, आ सकता है, अभी फीस भी बढ़ गई है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फीस बढ़ी है, मैं पैसे को मेरे ऊपर नहीं हावी होने देता, मैं उसके ऊपर हावी हो जाता, तो आएगा भी ना तो उसको मैं कभी रोकूंगा नहीं, लेकिन एक गलती हमारे रूल्स नहीं मान रहा है, मतलब माना क्या, मैंने उसको बोला था जल्दी आ जाना भैया, हाँ हाँ बोला, कॉल नहीं रिसीव करा, मैंने मैसेज किया वो अभी तक देखा भी नहीं, तो जब मैं मैसेज करने वाला गलत हूँ, वो देख रहा होगा कोई बात नहीं भैया, तो देख रहा है तो कोई बात नहीं, तू आना चाहते मैं फिर से कॉल कर मुझे, ऐसा कुछ नहीं, मैं गलत नहीं, अहमद कौन है किसी को नहीं पता, वीडियोज में भी किसी को क्या पता है, लेकिन फिर भी मैसेज का रिप्लाई करो। अच्छा मैं आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँ तो क्या होगा, मन में क्या डाउट होगा, अरे यार मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है कैसा ऐसा है, तो मैं भी ऐसा सोचूं तो मैं सबकी तरह बन सकता हूँ ना, मतलब दूसरों की तरह, तो मैं ऐसा नहीं, बाकी ये सर्टिफिकेट हमारे पास ही रहेगा, यहाँ पर फोटो नहीं, आपने फोटो ही नहीं सेंड किया, फोटो आपको मैंने बार बार बोला लेकिन आपने फोटो नहीं सेंड, कोई बात नहीं, अगर आप इस फील्ड को छोड़ देंगे तो आपका कोई काम का नहीं, अगर आप इस फील्ड में रहे, आप घर के घर कटिंग करो या कुछ भी करो, इस फील्ड में घुसे तो आपको एक आपकी पहचान लगेगी, वो यहाँ पर रहेगी और ये कभी इधर उधर नहीं होगी, ये यहीं पर ही रहेगी। बाकी आप सब लोगों को हम हाथ जोड़ के बोलना चाहते हैं, हमने हमें जितना सिखा देना चाहिए हमने दिया, हर की पॉइंट दिए मिलन भाई, हर की पॉइंट दिए, मैंने खुद को मुझे लगता है मैंने 100% दिया,
लेकिन आप लोगों ने कितना परसेंट लिया ये आप सोचो। मेरा काम था 100% में से 100% निकाल के देना, ये मेरी सोच के कारण मैंने दिया। आपने कितना लिया ये मुझे नहीं पता। आप आगे बढ़ना है, अभी आपकी गाड़ी आपके हवाले, आपको मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके बिछड़ जाऊँगा, नहीं, आप मुझे कभी भी फोन करो, मैं हाजिर ही हूँ। लेकिन सोच नहीं बदलना है, सोच नहीं बदलना है। कहीं से इधर उधर भटकने से अच्छा पहले देखो हमारे नीचे क्या है, हमारे पीछे क्या है, परिस्थितियां क्या है, हमारे हाथ किसने पकड़े है, कौन पकड़ के चल रहा है। अगर मैं ऐसा कर दिया पीछे वाले मर जाएंगे। क्या बोला मैंने, अगर ये मेरे हाथ है, मेरा परिवार पकड़ के बैठा है मेरे पीछे, मेरी का मेरे परिवार की गाड़ी मैंने चलाने का डिसीजन लिया, मैंने इंडिकेटर नहीं मारा, सबको अवेयर नहीं किया और ओवरटेक मारा तो क्या होगा, मेरा परिवार बचेगा? इंडिकेटर नहीं मारा, ऊपर सील बैग भी नहीं, तो मैं बचूंगा? मेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा परिवार का क्या? तो ये आप पीछे देख लेना है, सब कौन है मेरे पीछे। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बड़े भाई कोई भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, नादान, समझ रहे हो? शायद ऐसा भी हो सकता है कि बड़े भाई को आपसे ज्यादा ना बताओ लाइफ के बारे में, ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है या नहीं, हो सकता है ना। शायद हम छोटे लेकिन हमें बहुत सारी चीजें पता है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी सबको हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा, आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बारे में मैं कभी गलत निंदा नहीं करूँ। इतना कि यहाँ मेरा भी है, यहाँ पर जो बोलते हैं ना क्या होता है धड़कन दिल, वो मेरा भी है, तो मुझे दुख ना हो, बस इसी बात का दुख होता है, किसी को मेरे बारे में कुछ अलग निंदा ना हो जाए, बस इसी बात का डर होता है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज सर्टिफिकेट देगा, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया है, बाकी फिर भी सर्टिफिकेट तो बात दी है, बाकी नेक्स्ट बेस का आप कॉल करिए और हो सके तो पूरा सोच के आए। अगर आपको लगता है कि 3 महीने में बिता सकता हूँ तो ही आइए, वरना मत आइए। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, आपको लगता है कि आप 3 महीने का कोर्स कर सकते हो और 3 मंथ के बाद भी, फिर भी जो 3 मंथ के बाद भी आने वाले हो, आते ही रहते हैं, लेकिन उनको भी बोलना चाहूंगा, पूरा पूरा आपको लगे कि आप कर सकते हो तो ही आए, पैसा वेस्ट मत करिए। मेरा क्या है, आप पैसा देंगे मैं सिखाऊंगा, लेकिन भैया आप जो जहाँ से पैसा ला रहे हो, मम्मी पापा से मांग के, इधर उधर से मांग के, तो आपको मैं बता दूं, पैसा ला रहे हो आप मुझे दे रहे हो, उसके बदले में मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं 100% सिखा रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ तो 100% सिखाऊंगा ना। आप 50% ले रहे हो और बाद में ऐसा खोसेंगे, अरे यार मेरा तो ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, तो धन्यवाद, दूसरा कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने आपसे पैसा लिया, आपने जहां से लाया तो उसका सोचिया, पैसा वेस्ट नहीं करना। अगर आपने 50% लिया तो आपने पैसा लूज किया ना, लेकिन आपने कोई चीज मैंने बताई उसको पूरा पूरा समझ में लिया, तो फिर तो आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आपने तो सीखने के पैसे दिए थे ना ऐसा। लेकिन एकेडमी और सैलून में थोड़ा सा फर्क होता है, इतना समझ लेना। बाकी आज के इस वीडियो में धन्यवाद, मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर देना, मन से माफ कर देना, ठीक है। अगर हमारे से कोई गलती हुई होगी, आपको रहन सहन रखने